Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello students, welcome to Major Kalshi online classes. This is Ajay Shukla, faculty of English language. स्टूडेंट्स आज हम लोग एयर फोर्स के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे. बेसक सी बात है, एयर फोर्स का सैंपल पेपर वो इंग्लिश से संबंधित है और ये एक्स और वाई ग्रुप से संबंधित है. तो इसका मतलब ये है कि हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये आपको एक अप्रोच डेवलप करने का एक आइडिया प्रोवाइड करेगा, जिसके माध्यम से आप इसी तरीके से अगर सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप बेहतर तरीके से गेन कर पाएंगे. इसका मतलब आप सफल हो सकेंगे. आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए एक एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं. अगर आप पहला प्रश्न देखें तो वो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है. स्पॉटिंग एरर में आपको एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो मिस्टेक अगर होगी तो ए बी सी में होगी, और अगर लगता है कि सेंटेंस करेक्ट है तो इसका मतलब हमें डी पार्ट को चूज करना है, जिसका मतलब नो एरर है. तो अगर सेंटेंस को हम रीड आउट करें तो सेंटेंस कह रहा है इंडिया इज नो वे इन्फीरियर देन चाइना इन एनी एस्पेक्ट व्हाट्सोएवर. इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो चाइना से किसी भी तरीके से, किसी भी पहलू से इन्फीरियर या बदतर या घटिया नहीं है. तो स्टूडेंट्स अगर आप देख सकते हो इंडिया इज नो वे, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है इन्फीरियर का प्रयोग हुआ है. तो यहाँ पे इन्फीरियर का मतलब हम समझ लेते हैं. तो इन्फीरियर का मतलब होता है बदतर या घटिया के सेंस में हम यूज़ करते हैं. तो एक पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं. लैटिन एडजेक्टिव्स के अंतर्गत इन्फीरियर आता है, सुपीरियर होता है, उसी तरीके से प्रियर होता है जिसे हम प्रायर बोलते हैं, उसी तरीके से जूनियर, सीनियर. तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लैटिन एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं. तो सामान्य तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री में देन पे तो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इन शब्दों का यूज़ कर दिया जाए यानी किसी भी सेंटेंस में और कंपैरिजन जब किया जाता है तो हम देन नहीं यूज़ करते, बल्कि देन के स्थान पे हम प्रीपोजिशन टू के प्रयोग को वरीयता देते हैं. तो मतलब इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो बी पार्ट में है. बी में यही है कि देन के स्थान पे प्रीपोजिशन टू आएगा. तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा. इसी तरीके से आप इसका मतलब बी में है तो इन्फीरियर देन चाइना. तो चलिए नेक्स्ट की अगर हम मूव करते हैं. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस. इसका मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉज हैं यानी जो बॉम्बे में रहते हैं वो हमारे साथ रहने के लिए आ चुके हैं. इसका मतलब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो माय ब्रदर इन लॉज लिखा है और यहाँ पे ये जो ब्रदर इन लॉ है एक्चुअल में ये अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है और ये रूल होता है, ये नाउन टॉपिक के अंतर्गत आता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सपोज करिए कंपाउंड नाउन का प्रयोग करना है और इसे सिंगुलर से प्लूरल में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए तो ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड नाउन के जो रूट वर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित किया जाता है, यानी मेन शब्द होगा. तो अगर हम इसमें देखें मेन शब्द क्या है, ब्रदर है, लेकिन इन्होंने क्या किया क्वेश्चन में क्या है, लॉस को इन्होंने प्लूरल में बना दिया. और रूल क्या होता है कि हमें मेन शब्द को प्लूरल में कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स यहां पे जो लिखा है ब्रदर, तो ब्रदर की बजाय हम ब्रदर्स का यूज कर देंगे और यहां से लॉस को हटा दिया जाएगा, यानी एस को हटा दिया जाएगा. तो करेक्ट होगा माई ब्रदर्स इन लॉ, जो कि एक करेक्ट फॉर्मेशन होगा. तो इसका मतलब है कि गलती ए पार्ट में ही मानी जाएगी क्योंकि सेंटेंस में एक से ज्यादा की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे भी लिव यूज किया गया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैव है. तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमें प्लूरल कंपाउंड नाउन की जरूरत है तो हम ब्रदर्स इन लॉ का यूज करेंगे. अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये एक्चुअल में रिलेटेड है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में. अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहां से डिफरेंट फ्रॉम ही है, ये अंडरलाइन पार्ट है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं. अब इसी अंडरलाइन पार्ट में आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में कौन सा करेक्ट होना चाहिए. तो लिखा है रीताज प्रॉब्लम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ही, यानी रीता की जो समस्या है वो उसकी समस्या से पूर्ण रूप से डिफरेंट है, अलग है.
अगर आप देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये फ्रॉम क्या है। फ्रॉम एक अपने आप में प्रीपोजिशन है, और किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो इसका मतलब ही वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है, ना तो ये होगा और ये तो गलत है ही। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो डिफरेंटली, ये तो बिल्कुल डिफरेंटली होगा ही नहीं क्योंकि डिफरेंटली कोई सेंस भी नहीं देता है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हो कि जो रीता की समस्या है वो उसकी समस्या से डिफरेंट है, अलग है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हम सामान्य तरीके समझने के लिए अगर ऐसे देखें, हिज प्रॉब्लम लिख दें, क्या लिख दें, हिज प्रॉब्लम। तो अगर आप ये देखिए प्रैक्टिकल तरीके से, रीताज प्रॉब्लम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रॉब्लम, बात तो ये एकदम करेक्ट है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई एक ही सेंटेंस में हम एक ही सेम नाउन का, यानी एक ही सेंटेंस में सेम नाउन की रिपीटेशन नहीं करते हैं, तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे हिज की, तो हिज जो हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि हिज का यूज बहुत सारे लोग जानते हैं कि दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, और दूसरा जो होता है वो पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक, ओके, पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। यहां पे ये प्रोनाउन है पोसेसिव प्रोनाउन, एक तो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और प्रोनाउन के रूप में। अब अगर अपने साथ ये नाउन लेके आता है तो बेशक सी बात है, अगर नाउन लेके आएगा तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन इसमें हिडन है, यानी सॉरी यहां पे नाउन हिडन है, हिडन फॉर्म में हो, ओके, अब यहां पे हिज है तो आप देख सकते हैं यहां पे पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब अगर किसी भी सेंटेंस में हिज जो है, जो वर्ड हिज है, अगर हिज के साथ नाउन आया है तो इसका मतलब ये है कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और अगर किसी भी सेंटेंस में ये नाउन लेकिन नहीं आता है तो ये पोसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, तो जो आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री है वो आवर कंट्री इज ग्रेट के इक्वल काम करता है। फिर से आई रिपीट, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, और जो आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री है वो आवर कंट्री इज ग्रेट के इक्वल है। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के इक्वल होता है। इसीलिए सेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बी ऑप्शन क्या है, परफेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत इजी है, लिखा है दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, इसका मतलब है कि वो फेयरवेल पार्टी को अटेंड करने के लिए आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है इजंट इट और फिर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिक सी पॉइंट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंस है, और हमें पता है कि सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब होती है वो दिए गए सेंटेंस से ही लिए जाती है, और क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो इसका मतलब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। अच्छा यहां पे विल है तो विल को हम वांट में कन्वर्ट कर देंगे तो यहां पे दे हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी माना जाएगा। आइए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है सिनोनिम्स, तो ये शब्द है, अगर हम बात करते हैं सिनोनिम की तो ये एक अपने आप में एक शब्द है, और इस शब्द का मतलब होता है लापरवाह, क्या है, लापरवाह, और किसी भी सेंटेंस में जब भी यूज किया जाता है तो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो अब हमें देखना है इसका समानार्थी कौन सा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड और डेयरिंग और कोरेजियस है, अगर इन तीनों शब्दों को आप देखिए तो लगभग लगभग ये सेम मीनिंग देते हैं, साहसी का सेंस देते हैं, डेयर से डेयरिंग बना है
और बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड साहसी का, बोल्ड साहस का सेंस दे रहा है, और कोरेजियस तो अपने आप में साहस का सेंस देता ही है। तो इसका मतलब जल्दबाजी में जो काम करे, लापरवाही में काम करे, इसी से बना है रैश ड्राइविंग, आपको पता ही है। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा रेकलेस का, वो रैश माना जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें आप चाहो अगर मान लीजिए ना दिया होता तो हेडलेस भी आप यूज कर सकते थे, यहां पे हेडलेस, ओके हेडलेस, यहाँ पे HEDLES हेडलेस है। अच्छा, और क्या यूज कर सकते थे, केयरलेस हो गया, थॉटलेस हो गया, तो ये शब्द भी आ सकते थे। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो रैश होगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन है, अगला जो शब्द लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते तो ये भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक, ऑब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है अगर हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, दीनहीन, ठीक है, दीनहीन, दुखी या दयनीय के सेंस में, इन सभी के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे चैलेंज है, चैलेंज तो एक चुनौती होती है, और डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को इंकार करना, मना करने के सेंस में, और डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। तो एक ही सेंटेंस है, एक ही शब्द है जो इसका सिनोनिम हो सकता है, वो भी मिजरेबल है, दयनीय दशा है, मिजरेबल कंडीशन है। तो मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट शब्द है, इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो मिजरेबल एक परफेक्ट माना जाएगा। आइए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो अगर आप यहां देखिए लिखा है रिलिंक्विश, रिलिंक्विश अपने आप में एक वर्ब की तरह काम करता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में आप रिलिंक्विश का यूज करते हो तो एज ए वर्ब की तरह यूज की जाती है, और रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। अब आप जैसा देख सकते हो ये एंटोनिम है, तो बेशक सी बात है इसको आपको विलोम शब्द की बात कर रहा है, अपोजिट शब्द को हमें ढूंढना है। शब्द है रिलिंक्विश, और इसमें देखते हैं रिलिंक्विश त्याग देना, और कौन सा ऐसा शब्द है जो इसके अपोजिट होगा। अगर आप देखिए एब्डिकेट, रिनाउंस, एब्डिकेट का मतलब होता है अधित्याग देना, जो अधिकार होता है उसको आप त्याग देते हो। रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में आप रिनाउंस का यूज करते हो तो इसका भी सेम वही मतलब होता है। और डिनाई तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो इसका मतलब ना तो पहला, दूसरा, और ना तो लास्ट होगा, यानी ये दोनों नहीं होंगे। अगर आप देखिए पोजेसस लिखा है तो इसका मतलब अधिकार लेना, अधिकार ग्रहण करना, अपना स्थान ग्रहण करना, अधिकार जताना, तो इसका मतलब ये है कि रिलिंक्विश का जो अपोजिट वर्ड होगा वो सी वाला करेक्ट माना जाएगा। आगे मूव करते हैं। अब आप देखिए लिखा है नदिर। अच्छा, नदिर की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा शब्द है, तो इसका मतलब होता है सबसे निम्न स्तर, ये सबसे निचले बिंदु की हम बात करते हैं तो हम नदिर का यूज करते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर नदिर का यूज होता है तो एक पॉइंट हमें दिमाग पर रखना है कि ये हमेशा नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो एक लाइन ये भी क्लियर हुआ। अब नदिर का मतलब होता है अधोतल, यानी सबसे जो निम्न स्तर होता है, सबसे निम्न तल होता है, उसके लिए हम नदिर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब मॉडर्निटी तो नहीं होगा, क्योंकि आधुनिकता की तो कभी बात हो ही नहीं सकती। लिबर्टी है, स्वतंत्रता या आजादी, वो भी नहीं होगा, और प्रोग्रेस तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो जेनिथ एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, यानी जिसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु, सबसे उचला बिंदु होता है, इसी का मतलब क्लाइमेक्स आप बोल सकते हो। ओके, क्लाइमेक्स अगर हम बात करें तो क्लाइमेक्स परफेक्ट वर्ड माना जाएगा। आप चाहें तो अपेक्स भी बोल सकते हैं, अपेक्स, अपेक्स का मतलब भी होता है शीर्ष या चोटी के सेंस में। तो नदिर है, इसका अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो जेनिथ वर्ड करेक्ट माना जाएगा। तो ये लाइन क्लियर हुई। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। अगले कह रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब वाक्यांशों के लिए एक सेंटेंस है, इसका देखते हैं कि परफेक्ट क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, इसका मतलब जो प्राचीन समाज है उनके बारे में जो अध्ययन होती है वो क्या कहलाती है। तो आप देखिए पहला लिखा है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को मतलब होता है मानव जाति, मानव शास्त्र,
जिसका मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसमें मानव शास्त्र ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी नहीं हो सकता। और इथनोलॉजी का भी मतलब होता है प्रजातियों का अध्ययन, या फिर कह सकते मानव जाति विज्ञान। तो पहला और अंतिम तो नहीं है, अब बचा बी और सी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंशिएंट सोसाइटीज लिखा है और यहाँ पे आर्कियोलॉजी लिखा है। आर्कियोलॉजी एक परफेक्ट शब्द माना जाएगा इसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए। आर्कियोलॉजी पूरा तत्व या पूरा लेख, जिसमें हम खुदाई के माध्यम से अपनी सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन समाज कैसे होते थे, इसी से आर्कियोलॉजिस्ट बना है। तो हमारी जो सभ्यताएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन सभ्यताओं और संस्कृति के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जबकि हिस्ट्री होती है, यस पास के बारे में समझते हैं, पास की सभ्यताओं को भी जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से एंशिएंट सोसाइटीज या सभ्यताओं की अगर हम बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो खुदाई के माध्यम से जो जानने की हम कोशिश करते हैं, जो पुरातत्व के बारे में हमें पता चलता है, वो आर्कियोलॉजी होता है। तो परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी माना जाएगा। अब अगर हम 10 देखते हैं, तो 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो PQRS से है। अब सीधी सी बात है, PQRS में हमें तीन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑन द कवर पेज लिखा है, फिर एंड पब्लिसिटी पोस्टर, और फिर हु वुड लुक गुड, दे प्रिफर समवन, आप देख सकते हो। तो इस PQRS में हमें अरेंज करना है, और इस अरेंज करने के बाद ये प्रॉपर सेंस देना शुरू कर देगा, ये सेंटेंस होगा। जैसे ही हम प्रॉपर अरेंज कर देंगे तो ये कंप्लीट सेंस देगा। अगर आप सेंटेंस को रीड आउट करें, तो रीड आउट करने के बाद आप देखिए, ऑन द कवर पेज यानी किसी कवर पेज के बारे में बात की जा रही है किसी चीज में, तो इसका मतलब इसकी इंफॉर्मेशन पहले बताई गई है। तो इसका मतलब ना तो पी वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। अब एंड है, तो इसका मतलब बेसिक सी बात है, इसके पहले भी कुछ ना कुछ हिस्सा रहा होगा, कोई ना कोई शब्द रहे होंगे या क्लॉजेस रहे होंगे, तो इसका मतलब क्यू वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ना तो क्यू दिया ही है, तो क्यू वाला नहीं होगा। अब हु है, यहाँ पे हु वुड लुक गुड, अब ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, ना तो इंटरोगेटिव है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो हु आया है एक्चुअल में वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी को जोड़ने का काम करेगा। तो आइए अब समझते हैं, तो अगर एस से हम शुरुआत करें तो ये परफेक्ट ऑर्डर माना जाएगा। अगर हम देखें, दे प्रिफर समवन, यानी दे प्रिफर समवन। अब उसके बाद आर देखिए, ये इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा, दे प्रिफर समवन हु वुड लुक गुड, यानी वो प्रिफर करते हैं उस समवन किसी को, हु वुड लुक गुड, जो अच्छा दिखेंगे। कहां पे? ऑन द कवर पेज, ध्यान दीजिएगा, ऑन द कवर पेज, कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स। तो अगर आप सही सेंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा, कह रहा है कि दे प्रिफर समवन हु वुड लुक गुड ऑन द कवर पेज, जो अच्छे दिखेंगे किस पे? कवर पेज पे और पब्लिसिटी पोस्टर्स पे। तो अगर परफेक्ट है तो डी ही ऑप्शन इसको हम करेक्ट करेंगे। आइए अब मूव करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में चार में से हम कौन सा ऐसा परफेक्ट है जिसको फिलअप कर देंगे तो कंप्लीट सेंस देना शुरू कर देगा। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि रेसियल वायलेंस इरप्टेड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब जो प्रजाति हिंसा है, रेसियल वायलेंस इरप्ट हुआ, मतलब बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ, बढ़ा, कहां पे उभरा? थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। डैश मार्टिन लूथर किंग वॉज एसेसिनेटेड इन अप्रैल 1968। अब ये समय पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रेसियल वायलेंस, जो प्रजाति जो हिंसा था, बहुत ज्यादा इरप्ट हुआ, निकला, बहुत ज्यादा फैला, जो उभर कर सामने आया, इरप्ट हुआ, फूट पड़ा पूरे यूनाइटेड स्टेट में, जब मार्टिन लूथर जो किंग थे उनकी हत्या कर दी गई, कहां? अप्रैल में कर दी गई थी 1968। तो बेसिक सी बात है, येट और फॉर और बिकॉज यहां पे नहीं होगा, क्योंकि आप अगर यहां पे देखें व्हेन अगर फिलअप कर देते हैं तो व्हेन मार्टिन लूथर, जब मार्टिन लूथर की हत्या कर दी गई थी, तो परफेक्ट कौन सा होगा? व्हेन होगा, जब के सेंस में हम यूज करेंगे, और बेसिक सी बात है क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जा रहा है कंजंक्शन के रूप में।
तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो गई। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगर आप देखिए नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स से ही रिलेटेड है, कह रहा है कि सी डिड नॉट अप्रूव। तो चलिए इस शब्द के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये शब्द में अप्रूव यानी अनुमोदन करने की बात कर रहा है, ये वर्ब ही है। तो कहीं भी अगर सामान्य तरीके से अनुमोदन करने का भाव प्रकट हो तो ऐसी स्थिति में अप्रूव जो होता है वो ऑफ लेता है, यानी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सामान्यतः अप्रूव जो होता है अपने साथ ऑफ लेता है। तो इसमें आपको टेक्निक नहीं लगाना है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार के शब्दों के साथ कुछ विशेष प्रकार के प्रीपोजिशंस को ही हम फॉलो करते हैं। इट मींस अगर सेंटेंस में वो शब्द दिए गए हैं तो अपने साथ कुछ चुनिंदा प्रीपोजिशंस को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक आप समझ में पा रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको रीड आउट करना है और ये रिमेम्बर करना है, ये शब्द को लर्न करना है कि अगर अप्रूव है तो ये ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप जैसे देख सकते हो ये आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पैसेज की बात कर रहा है। तो देखो पैसेज में होता क्या है, या तो सीधा सीधा आप पैसेज को पढ़ लो और उसके बाद आप रिप्लाई कर दो, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस में पूछी गई बातें हैं उनको अपने दिमाग में रिटेन रखें और उसके बाद हम रीड आउट करते जाएं और उसके बाद अंडरलाइन करते जाएं कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पूछी गई है प्रश्न में। उसके बाद सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद जब हम पैसेज को करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होती है और ज़्यादा टाइम नहीं जाता। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम पैसेज को सबसे पहले प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अब पैसेज का प्रश्न कह रहा है कि आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन अल्बर्ट केम आउट वरीड अबाउट। इसका मतलब है त्यागपत्र सबमिट करने के बाद अल्बर्ट है वो वरीड अबाउट केम आउट, आया चिंतित होकर के, किस लिए? तो ये इंफॉर्मेशन जो है पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। फिर कह रहा है अल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस बिकॉज, बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित था क्यों। देर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, इसका मतलब उस रोड में कोई सिगरेट शॉप नहीं थी क्योंकि। फिर कह रहा है अल्बर्ट डिसाइडेड नॉट टू लुक फॉर अ न्यू जॉब बिकॉज, इसका मतलब अल्बर्ट ने डिसाइड किया किसके लिए, नॉट टू लुक फॉर अ न्यू जॉब, इसका मतलब नई जॉब की तलाश के लिए उसने डिसाइड नहीं किया। इसका मतलब कोई घटना घटी जिसमें उसने डिसाइड नहीं किया कि नई जॉब की तलाश करेगा क्योंकि। फिर कह रहा है कि अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल, इसका मतलब है कि एक बिजी रोड में जो सिगरेट शॉप है वो बाउंड थी, बाध्य थी कि वो प्रॉफिटेबल होगी, इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा क्यों। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो थे स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन थे वो पैसेज पे ही बेस्ड थे और अल्बर्ट नाम के व्यक्ति पे आधारित हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं और इसका एक एक हिंदी मीनिंग समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन, अब ध्यान दीजिएगा अल्बर्ट केम आउट, ये कहीं ना कहीं प्रश्न में पूछा गया है, यानी अपने रेजिग्नेशन को सबमिट करने के बाद अल्बर्ट केम आउट एंड टुक द लॉन्ग नैरो रोड, बाहर आया और उसके बाद उसने लंबी रोड को तय की जो कहां जा रही थी, रेलवे स्टेशन को, विच वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स इन द सिटी, इसका मतलब है जो शहर के अन्य बिजिएस्ट सबसे बेस्ट रहने वाले शहरों में से एक थी। सैड एंड डिप्रेस्ड एंड वरीड, फिर से ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सैड डिप्रेस्ड एंड वरीड अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब अल्बर्ट लुक्ड अराउंड फॉर अ सिगरेट शॉप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंशन भी कह रहा है, कह रहे कि सैड दुखी एंड डिप्रेस्ड और बहुत ज्यादा चिंतित, डिप्रेस्ड प्रताड़ित ये परेशान, वरीड चिंतित किसके बारे में, अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, इसका मतलब वो नई जॉब की तलाश में था। अल्बर्ट लुक्ड अराउंड फॉर अ सिगरेट शॉप, उसकी चारों तरफ वो देख रहा था कि तलाश कर रहा था किस चीज की, एक सिगरेट शॉप के बारे में वो तलाश कर रहा था, सिगरेट की दुकान कहां पे है। ही वॉक्ड अप टू द एंड ऑफ द रोड, इसका मतलब वो चलता गया कहां तक,
एंड ऑफ द रोड, वो गया अंत तक, गया कहां तक, रोड जहां तक जाती थी। बट फाउंड नो टोबैकोनिस्ट, टोबैकोनिस्ट का मतलब होता है जहां पे सिगरेट या तंबाकू की जो दुकान होती है उसे ही बोलते हैं। और वो अंत तक गया और उसने कोई भी सिगरेट शॉप नहीं पाई या तंबाकू की दुकान नहीं पाई। इट वॉज ऑड, ये बहुत ज्यादा विषम था, ऑड था कि सच अ बिजी थोरोफेयर, थोरोफेयर का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, मार्ग। कह रहा इट वॉज ऑड दैट सच अ बिजी थोरोफेयर थोरोफेयर विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल पासिंग थ्रू डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल सिगरेट शॉप। इसका मतलब ये बहुत ही अजीब था या विषम था कि इतनी ज्यादा व्यस्त मार्ग जो है, जहां पे हजारों लोग इस रोड से गुजरते थे, जाते थे, और उसमें एक भी सिंगल यानी सिंगल सिगरेट शॉप भी नहीं है। डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल सिगरेट शॉप। इसका मतलब हजारों लोग उस रास्ते से गुजरते थे और एक भी सिगरेट शॉप नहीं थी। फिर देखिए, ही सडनली फेल्ड, तभी अचानक उसने महसूस किया कि इट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर हिम टू हंट फॉर अ जॉब। यह पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, अब कोई आवश्यकता नहीं थी किस चीज के लिए, फॉर हिम टू हंट फॉर अ जॉब। इसका मतलब उसके लिए अब कोई जॉब तलाश करने की चिंता नहीं थी। इसका मतलब उसको आइडिया लगा किस चीज के बारे में, दुकान खोलने के बारे में। He decided to open a tobacco shop. अब तब उसने decide किया कि वो एक tobacco shop खोलेगा। फिर कह रहा है himself यानी खुद से, वो decide किया कि अब वो स्वयं एक tobacco shop को खोलेगा। It was bound to be profitable, he felt. और उसने महसूस किया, किस चीज को महसूस किया, कि यहाँ पे bound है, कि यहाँ पे उसको profit होगा। क्यों profit होगा, क्योंकि उस रास्ते में कोई भी तंबाकू की दुकान नहीं थी। अगर आप देखें तो बहुत आसान तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे, तो सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं और आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। अगर आप देखिए, पहला कह रहा है कि आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन अल्बर्ट केम आउट वरीड अबाउट। अब आप देखिए किस चीज के बारे में वो वरीड था, तो किस चीज के बारे में वरीड था, तो आप देख सकते हो डिप्रेस्ड एंड वरीड अबाउट Looking for a new job, किस चीज के लिए, एक नई जॉब के लिए वो तलाश में चिंतित था। तो ये पैसेज में कहा गया है, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बेशक सी बात है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी माना जाएगा। कौन सा होगा, सी होगा, यानी लुकिंग फॉर अ जॉब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस अबाउट बिकॉज, यहां पे अब किस लिए वो चिंतित था, तो बेशक सी बात है ही हैड नो मनी फॉर द ट्रेन जर्नी, नहीं ये तो कोई हो ही नहीं सकता। ही हैड हैड टू वॉक ऑन अ लॉन्ग रूट, कि क्या उसे चलना पड़ा था, ठीक है, यहां पे हैड ही होगा, यहां पे हैड, ही हैड टू वॉक ऑन अ लॉन्ग रूट, नहीं इसलिए चिंतित नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू बाय सिगरेट्स, क्योंकि वो इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो सिगरेट शॉप नहीं पाया, ये सिगरेट नहीं खरीद सका, ठीक है। या ही वॉज वरीड अबाउट फाइंडिंग ए जॉब, कि वो इसलिए चिंतित था क्योंकि उस वो फाइंड कर रहा था, तलाश कर रहा था एक जॉब की। तो बेशक सी बात है पैसेज में कहा गया था कि वो बहुत डिप्रेस था, किस लिए वरीड था, एक नई जॉब की तलाश में। तो इसका मतलब है, इसके अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, डी ही परफेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम मूव करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे कि देयर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, इसका मतलब उस रोड में कोई भी सिगरेट शॉप नहीं थी क्योंकि, स्मोकिंग इज बैंड इन दैट एरिया, क्या इस बात को मेंशन किया गया है कि उस एरिया में जहां पे उजारा था, क्या उस एरिया में स्मोकिंग बैंड थी, नहीं, पैसेज में बिल्कुल नहीं कहा गया है, तो ए वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। या जस्ट बाय चांस नोबडी हैड ओपेंड वन ऑन दैट रोड, बिल्कुल आप देख सकते हो, यानी इसका मतलब बाय चांस वहां पे कोई भी व्यक्ति सिगरेट की एक भी दुकानें नहीं खोला था,
तो यही इसका राइट आंसर होगा. देयर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, इसका मतलब बाई चांस आप कह सकते हो या भाग्यवश या बोलिए, उस रोड में जहां पे वो मूव कर रहा था, चल रहा था, उसमें कोई भी व्यक्ति एक भी सिगरेट शॉप या तंबाकू की दुकानें नहीं खोला था. तो यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इट वॉज वेरी नैरो रोड. बिल्कुल नैरो रोड होने की वजह से दुकान नहीं खोला जा सकता था, ये पैसेज में कहा ही नहीं गया है. सिगरेट शॉप ओनर्स डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट, तो ये तो पैसेज में बिल्कुल नहीं कहा गया है. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बी ही परफेक्ट आंसर माना जाएगा. तो आइए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें अगला कह रहा है कि अल्बर्ट डिसाइडेड नॉट टू लुक फॉर अ न्यू जॉब बिकॉज. अब अल्बर्ट ने डिसाइड किया कि अब वो नई जॉब की तलाश नहीं करेगा. क्योंकि पहला क्या है, द थॉट ऑफ हैविंग टू लुक फॉर अ जॉब ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड हिम. क्या उसके दिमाग में जो थॉट था कि वो नई जॉब यानी एक जॉब की तलाश करे, ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड हिम यानी ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड हिम, उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दी, इसलिए वो डिसाइड किया कि अब वो जॉब ही तलाश नहीं करेगा. तो अगर पैसेज को आप रीड आउट करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. अगला क्या कह रहा है, ही डिड नॉट इवन वॉन्ट टू वर्क एट ऑल, क्योंकि वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था, काम करना चाहता था, यानी ये बात कहीं भी नहीं कही गई कि वो कार्य नहीं करना चाहता. तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा. देयर वॉज नो होप ऑफ फाइंडिंग ए जॉब, क्योंकि एक जॉब की तलाश थी, उसकी जो होप थी तलाश करने की, वो कोई भी देयर वॉज नो होप, आशा ही नहीं थी, कोई होप ही नहीं थी कि वो जॉब पाएगा. इसका मतलब देयर वॉज नो होप ऑफ फाइंडिंग ए जॉब, तो ये भी कोई होप की बात नहीं की गई कि उसके अंदर होप ही नहीं थी या आशा ही नहीं थी कि वो जॉब पाएगा. तो लास्ट वाला आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यही बात है, क्योंकि वो जॉब की तलाश में था लेकिन उसने देखा पॉसिबिलिटी है कि इस रास्ते पे सिगरेट की दुकान या तंबाकू की दुकान खोली जा सकती है. तो परफेक्ट कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर हियर. बिल्कुल. तो अब यहाँ पे लास्ट की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट्स. तो अगला आप देख सकते हो लिखा है, अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल बिकॉज सिगरेट शॉप्स आर नोन टू मेक अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि जो सिगरेट शॉप्स होती हैं वो ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट के लिए जानी जाती हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस पैसेज में बिल्कुल ये बात नहीं की गई है. या एनी शॉप ऑन ए बिजी स्ट्रीट वुड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. ये कोई भी शॉप हो एक बिजी स्ट्रीट पे, वो वुड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो बहुत ज़्यादा संख्या में जो ग्राहक है उनको आकर्षित करेगी. तो बिल्कुल ये पैसेज में नहीं कहा गया, तो ए और बी तो किसी स्थिति में हो ही नहीं सकता. फिर कह रहा है, सिगरेट्स आर इनएक्सपेंसिव आइटम्स एंड पीपल बाय देम विलिंगली. मतलब ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. एंड पीपल बाय देम विलिंगली, और लोग उन्हें इच्छा से खरीदेंगे. तो ये तो बिल्कुल ही तर्क नहीं बनता, जो कि पैसेज में कहा ही नहीं गया है. तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वुड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो कह रहा है कि सिगरेट शॉप, यहाँ पे देखिए एनी शॉप लिखा है, ध्यान से समझिएगा, माइन्यूटली डिफरेंस है. यहाँ पे एनी शॉप की बात की गई है और यहाँ पे अ सिगरेट शॉप. यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी शॉप हो बिजी रोड में, वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा. और यहाँ पे कह रहा है कि अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वुड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो बिल्कुल यहाँ पे सिगरेट के बारे में ही कहा गया है, तो डी ही आंसर होगा. क्यों? क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लोग आएंगे और परचेज करेंगे, खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि उस मार्ग पे किसी भी प्रकार की अन्य अगर देखा जाए तो दुकानें नहीं थी. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा थी. तो डी ही इसका परफेक्ट आंसर माना जाएगा. अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे 18 है, 18 आप देख सकते हैं लिखा है स्पेलिंग टेस्ट. तो स्पेलिंग टेस्ट तो ये बहुत ही आप देख सकते हो ये सिमेट्री है, ये किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया जाता है. इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो एज ए नाउन की तरह यूज होगा. तो इसमें परफेक्ट ए ही होगा, तो कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है. और जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री, CEMETERY. तो इसका सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो ए वाला ही माना जाएगा. चलिए नेक्स्ट की ओर हम मूव करते हैं. तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रहा है करेक्ट टू इंडियन स्मोक, और ये अपने आप में ईडीएम है. तो ईडीएम की बात कर रहा है,
तो इंड इन टू इंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना या नहीं निकलना, नहीं निकलना, ठीक। अब यहां पे इसका मतलब टू इंड इन स्मोक है कोई परिणाम नहीं निकलना, तो पहला कह रहा है कि टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज को पूर्ण रूप से समझ लेना या समझवा देना। तो टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, किसी चीज को पूर्ण रूप से समझ जाना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप बी वाले ऑप्शन को आप देखें तो लिखा है टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग, यानी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचना या ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहां पे कुछ ही नहीं है, मतलब आपने प्रयास किया और प्रयास के बाद कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है, तो यही कहलाएगा टू इंड इन स्मोक, यानी कोई परिणाम नहीं निकलना। तो अगर इस idiom के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो बी ही होगा। लेकिन सभी का मतलब समझ लेते हैं, करेक्ट टू एक्साइट ग्रेट प्लीजर, इसका मतलब बहुत ज्यादा जो आनंद होता है उसको उत्तेजित करने के सेंस में, तो ये कोई तर्क ही नहीं बन रहा है। या फिर टू ओवरकम समवन, किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर, टू समवन पर विजय प्राप्त कर लेना या जीत हासिल कर लेना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो टू कम टू नथिंग, यही इसका राइट आंसर होगा। अब इस सैंपल पेपर के अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न कह रहा है पुट अप द टेंट, अगर आप ये देखें तो ये वॉइस से रिलेटेड है और इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से रीड आउट करेंगे तो आप पाएंगे ये सेंटेंस एक्चुअल में इंपरेटिव है, ठीक। अब ये अपने आप में इंटरेटिव है और इंपरेटिव में हम सामान्य तरीके से यहाँ पे लेट की मदद से बनाते हैं और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर अगर हम यूज करते हैं बी और देन वी थ्री का यूज करते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को आप देखें यहाँ पे तो ये तो द टेंट इज बीइंग पुट अप तो कभी हो ही नहीं सकता और यहाँ पे सी वाला नहीं होगा। लेकिन अब हमें बी और डी में डिसाइड करना है, तो अब आप देख सकते हैं लेट तो दोनों में यूज हुआ है लेकिन यहाँ पे इन्होंने बीइंग का यूज कर दिया है जबकि स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करते हैं, बी का यूज करेंगे। तो शुरुआत की गई है, इसका मतलब टेंट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा लेट के बाद, तो लेट के बाद द टेंट होगा, उसके बाद हमने बी का यूज किया और लास्ट में पुट होता है तो थर्ड फॉर्म पुट 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 ही होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ पे पुट का प्रयोग किया जाएगा और प्रीपोजिशन जो इसके साथ आया है वो वर्ब के साथ ही सेट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा आज 20 क्वेश्चंस को हमने देखा और 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की और बेहतर तरीके से हमने सॉल्व किया। आशा करता हूं कि इस सैंपल पेपर में आपको एक आइडिया लगा होगा, एक अप्रोच डेवलप हुई होगी कि किस तरीके से आखिर हमें प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की आपको जानकारी लेना है तो आप WhatsApp नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिखा भी है 9696230033, ये WhatsApp नंबर है, आप किसी भी प्रकार की क्वारी ले सकते हैं जो भी आपको जानना है। तो आशा करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।